वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑफ सब्जेक्ट साइंस, पेज नंबर 17. नेक्स्ट हेडिंग इज द फूड पिरामिड. द फूड गाइड पिरामिड वॉज डिजाइन बाई द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रमोट हेल्दी न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज. इट इज ए जनरल गाइड टू डेली फूड चॉइसेस. द मेन एम्फेसिस इज ऑन द 5 मेजर फूड ग्रुप्स, all of which are required for good health. It also emphasizes that foods that include a lot of fats, oils and sweets should be used very sparingly. Means food guide pyramid जो है वो डिज़ाइन किया था US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, इसलिए टू प्रमोट हेल्दी न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, जिससे कि चिल्ड्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 6 ईयर या उससे एबव है. इट इज़ ए जनरल गाइड टू डेली फूड चॉइसेस. ये एक जनरल गाइड होती है जो कि जो डेली फूड चॉइसेस होती है उसके अकॉर्डिंग. द मेन एम्फेसिस इज ऑन द 5 मेजर फूड ग्रुप्स. जो मेन एम्फेसिस है जो 5 मेजर फूड ग्रुप्स हैं उनके लिए, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, जो कि 5 की 5ों गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत होती है. It also emphasizes that foods that includes a lot of fats, oils and sweets should be used very sparingly. ये भी बताया जाता है कि जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हो, ऑयली चीज़ हो, स्वीट्स बहुत ज़्यादा हो, तो उसको कम से कम यूज़ करें फॉर गुड हेल्थ. ओके, दिस इज द पिरामिड ऑफ गुड हेल्थ. आर यू सीइंग स्टूडेंट्स, दिस इज द पिरामिड. ओके, इस पिरामिड के बारे में हम लोग जानते हैं. ये फूड पिरामिड क्या है? द बेस ऑफ द पिरामिड इज द कार्बोहाइड्रेट्स फूड आइटम्स. जो बेस में है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स फूड आइटम्स है. दिस इम्प्लाइज दैट कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू बी टेकन इन लार्जर अमाउंट्स एज कम्पेयर टू दी अदर फूड ग्रुप्स. अदर फूड ग्रुप्स की कंपेयर में क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि यही इनर्जी हमारी बॉडी को सप्लाई करता है. ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स इज रिकमेंडेड मोर देन टेकिंग फ्रूट जूस. फ्रेश फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है मोर देन टेकिंग फ्रूट जूस. फ्रूट जूस से ज़्यादा बेटर होता है कि हम लोग फ्रेश फ्रूट्स ईट करें, सिंस इट्स एड्स टू दी फाइबर कंटेंट्स. क्योंकि ये फाइबर कंटेंट भी हमारे बॉडी के लिए ऐड करता है. एंड अवॉइड्स अनवांटेड स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. और अनवांटेड स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव को भी ये क्या करता है? अवॉइड करता है. इसलिए हमें फ्रूट्स को खाना चाहिए, ना कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जूस का यूज़ करना चाहिए. ओके, एट द टॉप ऑफ द पिरामिड द फैट्स एंड स्वीट्स. सबसे टॉप पे पिरामिड्स के क्या हैं? फैट्स एंड स्वीट्स विच कंटेन हाई एनर्जी बट लो न्यूट्रिशनल वैल्यू. एनर्जी तो हाई होती है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम होता है. देयरफॉर दे हैव टू बी कंज्यूम इन लेजर अमाउंट. इसलिए इनको कम से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई थिंक सो. नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी. कि फूड की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें? फूड प्रोसेसिंग, पहला प्रोसेस क्या है? फूड प्रोसेसिंग. टू मेंटेन गुड हेल्थ इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड दैट वी ईट. गुड हेल्थ चाहिए तो ये भी नेसेसरी है कि क्वालिटी ऑफ फूड को भी हमें मेंटेन करना चाहिए जो हम खाते हैं. द फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स. जो फूड प्रोसेसिंग है वो फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करना पड़ता है. क्लीनिंग ऑफ फूड, सबसे पहले जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी फूड हम कंज्यूम करें उसको अच्छे से स्टोर करके रखें, जिसमें कि माइस, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया उसको टच ना कर सके. करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग, और हमें सही तरीका अपनाना चाहिए उसको बनाने का, उसको कुक करने का. ये 3 मेथड हमको फॉलो करना पड़ता है गुड हेल्थ के लिए और गुड हेल्दी फूड के लिए. ओके, ऑलमोस्ट ऑल फूड इज़ प्रोसेस्ड इन सम वे बिफोर इट इज़ ईटन. सभी फूड आइटम को हम खाने के पहले किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस में लाते हैं. द मेन रिएक्शन इज़ नो क्लाइमेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच में स्पॉयल द फूड एंड कॉजेज डिजीज. ऐसा कोई क्लाइमेट, ऐसा कोई मौसम नहीं होता कि जिस मौसम में या जिस क्लाइमेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क ना करें या उसको स्पॉयल ना करें, जिसकी वजह से हम बीमार ना हों, है ना. वो तो अपना वर्क करते रहते हैं, तो हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए.
सही तरीका अपनाना चाहिए. द न्यूट्रिएंट वैल्यू इज ऑफन अल्टर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और कुकिंग ऑफ फूड. जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, फूड कुकिंग के समय या प्रोसेसिंग के समय उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसमें से कम हो जाते हैं. ऐसा कैसे, गलत तरीके से उसको कुक करने की वजह से. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डाइट्री फाइबर विटामिन बी एंड सम मिनरल्स आर लॉस्ट बाई माइलिंग. विटामिन बी ज़्यादातर माइलिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. वाटर सॉल्युबल विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाई ब्लांचिंग. जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन तो बहुत ज़्यादा वाटर में कुक करके उसका वाटर को हमने फेंक दिया तो उसमें जो भी विटामिन थे वो वाटर में डिजॉल्व हो गए और उसके साथ स्पॉयल हो गए. ऑल्दो द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाई पॉस्चराइजेशन, फ्रूट जूसेस लूज विटामिन सी इन दिस प्रोसेस. न्यूट्रिएंट वैल्यू, मिल्क की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो अफेक्टेड नहीं होती है पॉस्चराइजेशन से, लेकिन जूस लूज कर देते हैं विटामिन सी इस पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से. बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन लाई क्लोज टू द स्किन सरफेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, देयरफॉर पीलिंग ट्रिमिंग एंड रिमूविंग द आउटर लेयर्स रिड्यूसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो आउटर पीलिंग कर देते हैं, उसके छिलके को निकाल देते हैं, है ना, रिमूव कर देते हैं, ट्रिमिंग कर देते हैं, इसके वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग आर, बेनिफिट्स क्या है कुकिंग के, इट मेक्स फूड फ्री एंड सेफर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुक करने की वजह से, हीट करने की वजह से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे वो सेफ हो जाता है. मेक्स फूड टेस्टियर, खाना हमारा टेस्टियर बन जाता है, टेस्टी बन जाता है कुक होने की वजह से. इट सॉफ्टन द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हम खाते हैं उसको वो सॉफ्ट बना देता है, मुलायम कर देता है. डैट वुड अदरवाइज भी इनडाइजेस्टिबल, अगर उसको सॉफ्ट नहीं करेंगे तो वो इनडाइजेस्टिबल रहेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट, मेथड, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग में आल्सो अफेक्ट सिग्निफिकेंटली. मेथड कुकिंग करने का, टेम्परेचर और ड्यूरेशन कुकिंग को अफेक्ट करते हैं. द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड फोलिक एसिड विच आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाई ब्रिस्क कुकिंग. मिनरल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर. इन सम अदर केसेस फ्लेवर में भी लूज बाई ब्रिस्क कुकिंग. एक्सेसिव कुकिंग में कॉज लॉस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन्स. तो ज़्यादा टेम्परेचर पर कुक करने से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है फूड की वो कम हो जाती है, उसका स्वाद भी कम हो जाता है, है ना, मिनरल सॉल्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके विटामिन्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए हमें ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए या ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी कुक नहीं करना चाहिए, है ना. हमें सही मेथड अपनाना चाहिए कुकिंग करने का. पेज नंबर 19, हेडिंग इज डिफिशेंसी डिजीजेस. डिफिशेंसी डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ. डिफिशेंसी डिजीज किस वजह से होती है, ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल. विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से डिफिशेंसी डिजीजेज होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होती है उनको मेंटेन करने के लिए. अगर इनकी कमी होती है तो हमारे बॉडी का अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज मिनरल डिफिशेंसी. देयर आर वेरियस मिनरल्स डैट आर रिक्वायर्ड बाई ह्यूमन बॉडी. द इम्पॉर्टेंट अमंग देम आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सल्फर एंड आयोडीन. वेरियस मिनरल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सल्फर एंड आयोडीन. ओके, नेक्स्ट, सर्टेन मिनरल्स आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज वाइल अदर आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. कुछ मिनरल जो है हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में जाते हैं और कुछ का ज़रूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में होती है. द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मेजर
और मैक्रो एलिमेंट्स, जो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमको मिनरल चाहता है उनको मेजर या तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द बोन्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट्स आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स, और जो कम अमाउंट्स में चाहिए होता है उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। मेजर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हैं आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर एंड कोबाल्ट। ये हमको बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। एमंग दीज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स, इनमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे हेल्दी बोन्स के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड टीथ, टीथ के लिए भी कैल्शियम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के भी काम आता है, जैसे खून बहने लगता है ना तो उनको रोकने के लिए जो ब्लड क्लॉट हो जाता है आगे जम जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। वर्किंग ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एसेट्रा। फास्फोरस इज नीडेड फॉर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक डीएनए। फास्फोरस की ज़रूरत जो पड़ती है वो डीएनए, आरएनए एंड फास्फोलिपिड्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एसेट्रा। डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेड्स टू ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से एक जो डिजीज होती है उनको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। कैल्शियम इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड सच एज मिल्क। कैल्शियम हमको कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्मॉल फिश, कैरेट्स एसेट्रा, इन चीज़ों से हमें जो है कैल्शियम मिलता है। वाइल फॉस्फोरस इज ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स, और फॉस्फोरस हमको सीरियल ग्रेन से, मिल्क से, एग से, फिश से और मीट से, इन चीज़ों से हमको ये मिलता है फॉस्फोरस। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल। कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड जिनको कहते हैं केमिकल नेम, वो कॉमर्शियल स्केल में ग्रो करता है, कॉमर्शियल स्केल में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से। अर्लियर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द साल्ट सेपरेटिंग प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। जो पहले था प्रोसेस वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव था और सिंपल था, सो सॉल्ट यूज टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट आइटम्स इन ए ग्रॉसरी शॉप। तो ग्रॉसरी शॉप में सबसे चीपेस्ट आइटम जो आपको मिल सकता है वो आपको मिल सकता है NaOH सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। नाउ इट इज़ मोर एंड मोर रिफाइनिंग टेक्निक्स आर कैरीड आउट बिफोर दे आर पैक्ड एंड मार्केटेड। अब कई सारी टेक्निक्स लगती हैं, टेक्निक के बाद प्रोसेस के बाद वो पैक होता है तब मार्केट में आता है। सोडियम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी। सोडियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी के लिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स एसेट्रा। लैक ऑफ सोडियम इन द बॉडी लेड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइपर नेट्रीमिन, हाइपर नेट्रीमिया। ओके, तो ये था जिसकी वजह से कौन सी एलिमेंट्स, कौन से मिनरल्स की वजह से कौन सी बीमारी हमको हो सकती है, क्या डिफिशेंसीज हो सकती है, इनका क्या बैड इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट। हाउएवर दिस डिजीज इज़ वेरी अनकॉमन एज मेनी ऑफ आवर फूड्स कंटेन कॉमन सॉल्ट। ये डिजीज़ बहुत ही कम है क्योंकि हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें कॉमन सॉल्ट जरूर होता है। हाउएवर एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट इज़ नॉट एडवाइज फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। लेकिन उनको जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से सफ़र कर रहे हो उनको ज़्यादा सॉल्ट खाने के लिए मना किया जाता है। हाई लेवल ऑफ सोडियम टेंड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड सो विथ हाइपरटेंशन आर एडवाइज टू कंज्यूम लेस सॉल्ट इन देयर फूड। तो फिर उनको लेस सॉल्ट कंज्यूम करने के लिए कहते हैं अगर हाइपरटेंशन होता है तो। आयोडीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन। आयोडीन जो है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन ऑकर्स इन ओनियन एंड मैरीन फिश। डायट्री डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ओके अप टू हियर आई थिंक यू हैव टू क्लियर। यार आर मिनरल्स एंड विटामिन डिजीजेस ड्यू टू डिफिशेंसी एंड एक्सेस इनटेक। एक्सेस इनटेक या डिफिशेंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है वो यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि फूड कंपोनेंट्स मिनरल्स फास्फोरस ब्रिटल बोन्स एंड टीथ रिटार्डेड ग्रोथ है ना। अगर इनकी डिजीज ड्यू टू एक्सेस इनटेक में क्या होता है, सोडियम इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड कॉजेज हार्ट डिजीजेस। सो इफ़ यू हैव बुक देन यू हैव टू सी प्रॉपरली ऑल द थिंग्स, कैल्शियम रिकेट्स बैड मसल मूवमेंट्स एंड स्लो ब्लड क्लॉटिंग डिफिशेंसी की वजह से होते हैं। ओके फ्लोरीन डिसकलरेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को ज़्यादा लेते हैं तो भी वो हमको नुकसान पहुँचाता है और कम लेते हैं तो भी वो हमको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं लेने भी चाहिए, जो कि एक हमें बैलेंस्ड डाइट में ये हमको मिलता है। ओके स्टूडेंट्स अप टू हियर आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।